महंगाई की वजह से रोजी रोटी पर संकट। विश्व बैंक ने बुधवार को एक चेतावनी दी है, कहा सभी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई। योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद के मोदी नगर में सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राफेल विमान ने भरी उड़ान। बीजेपी के कोटे से मिली 11 सीटों से खुश हैं वीआईपी के मुकेश सहनी। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बताया देश और बिहार का चिराग। अटल टनल से सेना को मिली नई रफ्तार, पहली बार सुरंग से गुजरा भारतीय सेना का काफिला। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा अब हरियाणा में सुपर 100 प्रोग्राम के तहत 4 कोचिंग सेंटर संचालित किए जाएंगे। ब्रिटेन में अगले महीने से लग सकता है कोरोना का टीका, सेना की होगी तैनाती। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि काटाटोली फ्लाईओवर की समस्या न ठेकेदार की है और न ही कंसल्टेंट की, समस्या है नियत की, एन किन प्रकार नया करना है। अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से दिल्ली में खुलेंगे सिनेमा हॉल, सभी साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने के आदेश जारी। सीबीआई के पूर्व डीजीपी और मिजोरम के राज्यपाल अश्वनी कुमार ने की खुदकुशी। ईडी ने चेन्नई की कंपनी एसएलओ इंडस्ट्रीज के 82.83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला। ग्वालियर एयरपोर्ट पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माधवराव सिंधिया का किया गया अभिनंदन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान, मंडियों में अपनी धान बाजरा मक्का कपास लेकर आ रहे किसानों की खरीद नहीं हो रही है। कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ता सचिवालय तक करेंगे मार्च, भारी पुलिस बल तैनात।